क्या रास्ता बताइए मुझे आप। एक हम बड़ा दावा कर रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति ला दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। आप एक होता है नहीं, सरकार टीचर की सैलरी 75,000 रुपए, वो कितना पढ़ाता है? क्वेश्चन तो भी है, अब स्कूल में जाकर देखो पढ़ा रहे, कुछ नहीं है। 100 में 10 स्कूल उन्होंने बना रखे हैं, जैसे मंगलम भी है, भाई का स्कूल है, अब मंडाली जाकर 3 स्कूल जाकर देखिए, सब वैसे वैसे ही। मतलब बिल्डिंग बनाने में कुछ नहीं होता ना, शिक्षक बढ़िया होनी चाहिए तो कुछ होगा ना इसमें। आवाज तो रोज विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगते हैं कि रोजगार और महंगाई को लेकर पीएम मोदी फेल हो गए। महंगाई कहाँ है आप बताइए मुझे। अब ये देखिए, एक मजदूर हम तुमका कितने रुपए लेते हैं आप बताइए। पहले लेबर थे 400 रुपए, आज 600 रुपए है, 900 रुपए मजदूर लेता है, तो महंगाई कहाँ बताइए ना मुझे आप। जो बेलदार जाता है 600 रुपए लेता है, जो 400 लेता था 2-3 महीने पहले, अब 600 लेता है, जो मिस्त्री 700 लेता है 900 रुपए लेता है, तो महंगाई कहाँ है। तो महंगाई तो बढ़ रही है ना, अब मोची बात जाइए कि 10 रुपए लेता है, तो महंगाई किसके लिए पहले अभी बताइए, फिर ठोकने वाले के लिए या टैक्स भरने वाले के लिए, सब्जी बेचने वाले के लिए। जनता आ रही है सब्जी खरीदने, क्यों नहीं आ रही है। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमानी। दर्शकों, एक बड़ा सवाल इस समय ये माना जा रहा है कि अगर 2024 की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर तमाम दलों को एक साथ ला करके खड़ा कर दिया है तो उसका कितना ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा, इसका कितना ज्यादा लाभ जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा और जनता किसके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता जिसके साथ होगी सत्ता में उसी की वापसी होगी। इसी पूरे मुद्दे को धरातल पर उतर करके समझने का प्रयास किया हमारे संवाददाता ने और आपको ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इससे पहले तो आपको याद नहीं आती, उससे पहले आपको याद क्यों नहीं आती? जनता के बारे में काम शुरू किया, वहीं से शुरू करो। जब समय आया तो सड़क बनवा दिया, आज से 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था, इतने तो पानी में खड़े थे हम लोग, बुरा हिसाब। समय आया तो क्यों केजरीवाल या पीएम मोदी दोनों की तरफ से योजनाओं की भरमार, बिजली का बिल फ्री तो उधर से वो कहते हैं कि हम आयुष्मान भारत सेवा फ्री हेल्थ सर्विस, केजरीवाल का दावा है फ्री हेल्थ सर्विस। सर उसके बिजली के बिल आ रहे थे, माफ हो रहे थे, बिजली के बिल माफ हो रहे थे, पानी का हमारे यहाँ आता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, सबके बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे फ्री बिजली, बिल आ रहे कहो तो बिल्कुल। डबल हो जाता है तो देना पड़ेगा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी सरकार बनेगी। क्यों, काम है उनका? केजरीवाल ने किया क्या रास्ता बताइए मुझे आप। एक हम बड़ा दावा कर रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति ला दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। आप एक होता है नहीं, सरकार टीचर की सैलरी 75,000 रुपए, वो कितना पढ़ाता है? क्वेश्चन तो भी है, अब स्कूल में जाकर देखो पढ़ा रहे, कुछ नहीं है। 100 में 10 स्कूल उन्होंने बना रखे हैं, जैसे मंगलम भी है, भाई का स्कूल है, अब मंडाली जाकर 3 स्कूल जाकर देखिए, सब वैसे वैसे ही। मतलब बिल्डिंग बनाने में कुछ नहीं होता ना, शिक्षक बढ़िया होनी चाहिए तो कुछ होगा ना इसमें। क्या बात है, तो रोज विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगते हैं कि रोजगार और महंगाई को लेकर पीएम मोदी फेल हो गए। महंगाई कहाँ है आप बताइए मुझे। अब ये देखिए, एक मजदूर हम तुमका कितने रुपए लेता है आप बताइए। पहले लेबर थे 400 रुपए, आज 600 रुपए है, 900 रुपए मजदूर लेता है, तो महंगाई कहाँ बताइए ना मुझे आप। जो बेलदार जाता है 600 रुपए लेता है, जो 400 लेता था 2-3 महीने पहले, अब 600 लेता है, जो मिस्त्री 700 लेता है 900 रुपए लेता है, तो महंगाई कहाँ है। तो महंगाई तो बढ़ रही है ना, अब मोची बात जाइए कि 10 रुपए लेता है, तो महंगाई किसके लिए पहले अभी बताइए, फिर ठोकने वाले के लिए या टैक्स भरने वाले के लिए, सब्जी बेचने वाले के लिए।
जनता आ रही है सब्जी खरीदने? क्यों नहीं आ रही है? बधेरी आ रही है, नहीं आ रही तो कहाँ से बिक रही है बताइए? दिल्ली में इतनी मंडियाँ हैं, डेली बाहर का इतना माल आता है, कहाँ जाता है? नहीं बिकता तो आप बताइए, महंगाई तरफ नहीं है ना, महंगा चारों तरफ है। आप मोची बाज जाइए, किलो ढोकने के 10 रुपये हैं, या आप मिस्त्री पंचर वाले बाज जाइए, 50 रुपये पंचर के क्या लागत आती है? 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये की 50 लीटर, हाथ कोई नहीं कहता, महंगाई है, आप बताइए ना चीज़ को। अच्छा एक और सवाल अंतिम में आप लोगों से पूछ लूँ कि दो गठबंधन बन रहे, एक इंडिया गठबंधन है सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें विपक्षी दल हैं, और दूसरा एनडीए गठबंधन है जिसमें पीएम मोदी हैं, तो क्या लग रहा है अगले साल किसकी सरकार बन सकती है? देखिए चांसेस तो पूरे मोदी जी के ही हैं, हमारे चांसेस पूरे मोदी जी के ही हैं, लेकिन फिर आपस में लड़ने आएगा तब आपको पता भी चलेगा और सबको पता चलेगा। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? वो जो काम कर दिए प्रधानमंत्री, वो कोई भी नहीं कर सकते, मोदी जो कर दिए हैं वो कोई नहीं, कोई शख्स नहीं पैदा नहीं लिया है, होता है नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। चलो 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 बेटे, चलो बेटे, भगवान राम की तरह। क्या बोले? भगवान राम की तरह। हाँ बिल्कुल 110%। ऐसा क्या काम है जो बेहतर आपको दिखता है, क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि मोदी विदेश भ्रमण में ज़्यादा व्यस्त रहे? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, G20 जो रामलला मंदिर है वो जो आज जा रहे हैं 22 जनवरी को जो वहाँ पे होगा प्राण प्रतिष्ठा, इसमें बिल्कुल वो परी है। क्या लग रहा है जी, कौन जीत रहा? बीजेपी क्लियर है सर, बहुत काम हुए हैं, बहुत, जो हमने कभी उत्तर प्रदेश में कभी लाइट नहीं देखी थी, अब हम 22 घंटे लाइट आती है अभी। तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश बोलते हैं कि हमारे जमाने से लाइट है, योगी सरकार ने नए पावर प्लांट ही नहीं। मैं गाजियाबाद जिले खोड़ा दोनी में रहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आया करती थी जब तक समाजवादी पार्टी सरकार थी, आज 22 घंटे लाइट आती, पक्की सड़कें 22 घंटे लाइट, पूरी सुविधा है। अब रात 1 बजे जाओ सड़क पर सुई गिर जाएगी, वो आपको पड़ी मिलेगी, इन सड़कों में लाइट थी नहीं तो आएगी कहाँ से? वो लाइटें जो हैं वो सिर्फ रोड पे, हाईवे पे, जो योगी जी को चलने के लिए सिर्फ है, और जो गली के अंदर है आम पब्लिक के लिए, वहाँ आज भी कीचड़ी है। इनका 50 गज का प्लॉट हो या 200 गज का, हमारे भाई का, हमारा भी वहाँ 500 गज का है, लेकिन आज तक रहने नहीं जा पा रहे हैं। कारण यही है क्योंकि नाला नहीं है, सीवर नहीं है, सारी चीज़ें, बहुत सारी रीजन है। खोड़ा में भी है, राहुल विहार में भी है। मैं खोड़ा में भागता हूँ, मैं खोड़ा को दूसरे पुस्तक बताता हूँ, यहाँ पे कम से कम 96% मोमन रहते हैं, 96%। आप जाकर सर्वे कीजिए, वहाँ पे एक एक गली पक्की मिलेगी, कि पानी की समस्या है, नाले छोटे छोटे मिलेंगे, अगर कूड़ा रात को निकलता है तो ये नहीं। मैं रहता हूँ, मैं हमें सर्वे की जाकर तो क्या करिए, बारिश होने के बाद आप 10 दिन बाद जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, मच्छर और नाला कीड़ा सब आपको प्रॉपर मिलेगा। आप जाकर सर्वे कीजिए, हमारा ज्यादा कुछ नहीं है, आपको और किसी साइड उस जगह को छोड़ के फिर हमें इस जगह रहना पड़ता है, वहाँ बड़ा घर होने के बाद भी यहाँ छोटे घर में रहना पड़ता है। इस कारण केजरीवाल सरकार है, काम कर रही है, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही है। आप कहीं भी जाइए, हॉस्पिटल जाइए या स्कूल जाइए, भाई ने बताया बिल्डिंग डेमोक्रेशन का जो काम हुआ है वहाँ स्कूल में, वो काम हुआ हुआ है। पहले टीचर बाहर बैठते थे धूप, आज आप ऐसे ही जाइए बगैर पत्रकार, किसी के पिता बन के जाइए बच्चे के, आपको पता चलेगा कि अंदर काम पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। ये बोलने से नहीं होता ना सर, बोलने से नहीं होता। माहौल देख के ठीक है ना, मेरे बच्चे एक मूवी में है, एक छठी क्लास में, किस दिन में नहीं करवाया मैंने, स्कूल का माहौल देखा मैं चंद्र विहार का, तो वापसी आगे चुपचाप होना, आज मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है, इनको समझ, सबसे पहली बात इनको समझ नहीं आई, वो चीज वो नहीं है कि सरकार की, इनको अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कूल समझ नहीं आया। मैंने पढ़ा है, मैंने उसी स्कूल में सरकारी में पढ़ा था, जब मैंने पढ़ा था उसके अंदर खेलने की भी सुविधा नहीं थी, और आज मैं ऐसे घूमने चला जाता हूँ अपने स्कूल को देखता हूँ तो उसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है, खेलने की सुविधा है, ग्राउंड है, पानी है, स्कूल में टीचर है, टाइम पे आ रहे हैं जा रहे हैं, बेल बज रही है, हर चीज़
बेटी है, अब इनको ईडी उसमें विक्टर नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का शौक है बच्चे को, तो ये उसमें और इसमें कंपेयर तो काफ़ी है हुआ ना, क्योंकि उसमें तो इनको फ़ोन भी आएगा आज बच्चे आपके बच्चे को बुखार आ गया बेटा आ जाइए लेने, क्योंकि वहाँ से सरकारी स्कूल से इतने सारी होती पब्लिक थोड़े मोड़े चीज़ के लिए फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि सुविधाएँ हर चीज़ की है, लेकिन अभी इतनी भी फास्ट इंडिया नहीं हो गई हमारी जो लैपटॉप बच्चा हाथ में लेके घूमता रहे आने वाले टाइम पे आएगा मोबाइल तो ये मान गए हैं कि केजरीवाल जी लैपटॉप दे देंगे इनके बच्चे का, केजरीवाल जी ने क्या बात है अभी जब स्कूल दे दिया स्कूल कौन सा बना है अभी बताइए आप भी मान लें स्कूल एक नया स्कूल बताइए कौन सा बना है अब इनकी बात देखो इन्होंने एक बात अच्छी बोली है बहुत अच्छी बात बताइए ना इन्होंने कहा पुराने खांचे को बड़ा कर दिया गया है बढ़िया बना दिया गया है लेकिन उस खांचे को भी कांग्रेस ने बनाने का काम किया था वो खांचा भी जो बना हुआ है कांग्रेस का लेकिन उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया उसका कांग्रेस सरकार आम आदमी का है जो सरकार रहेगी वो काम करेगी उसमें क्या बात चलिए ठीक है ये आपने तो आपने देखा दर्शकों लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे थे कि भाजपा एनडीए लगातार खेमा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उनके साथ जो बड़े दल आ रहे हैं उन दलों के पास क्या विधायक सांसद उस संख्या बल के हिसाब से मौजूद है इसका जवाब नाम है मात्र संख्या बढ़ाई जा रही है दलों की लेकिन इसके बावजूद भी ये जो चुनाव के नतीजे हैं तय करेंगे कि इस वक्त 10 साल से चली आ रही सरकार को जनता सराहती है या फिर एक परिवर्तन होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए बड़े खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।